welcome you all to my channel. This is Sivani. Hope you guys are doing extremely well. So guys, आज हम लोग टेक से हट के थोड़ा हेल्थ के ऊपर आते हैं, यानी कि हेल्थ इज कनेक्टेड टू किचन. तो किचन में अगर अच्छा खाना बनेगा तो हम लोग अच्छा खाएंगे और एक हेल्थी लाइफ अपन हम लोग को मिलेगा. तो ठीक है गाइज, आज हम लोग जानने वाले हैं किचन का 4 गैजेट के बारे में, जो कि प्रॉपरली नेसेसरी है आप लोग के लिए और आप लोग का लाइफ को ये बहुत ईजी बना देगा. तो लेट्स नो अबाउट इट. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे 4 किचन गैजेट के बारे में जो कि आपका बहुत काम आ सकता है. ठीक है, तो देखिए ये जो गैजेट सब है, ये मैं अपना इंडियन फूड का, मतलब कि हम लोग जैसे खाना खाते हैं ना, उसी का टाइप का ही सब गैजेट आप लोगों का काम आएगा. मतलब जनरल देखो बाहर देश में क्या होता है, वो लोग का अलग टाइप का खाना आता है तो अलग टाइप का किचन इंस्ट्रूमेंट वो लोग यूज करते हैं, लेकिन इंडियन फूड का थोड़ा अलग रहता है. तो इसीलिए इस कंट्री का पीपल के लिए ही वीडियो स्पेशल है. ठीक है, तो देखिए जनरली मैं शुरुआत करती हूँ. अभी पहला किचन गैजेट जो है इलेक्ट्रिक चिमनी, जो कि आपका किचन में जनरली आजकल के दिन में तो सबको यूज करते हैं. अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन प्रॉपरली इसके बारे में एक वीडियो तो मैं नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगी. ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा. बाद में आप जब खरीदने जाएंगे तो वो जो रिटेलर्स होंगे आपको अच्छे से बता देंगे इसके बारे में. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चिमनी जनरली नॉर्मल चिमनी भी आता है, इलेक्ट्रिक चिमनी भी आता है. इलेक्ट्रिक चिमनी थोड़ा स्पेशल है इसीलिए क्योंकि देखिए चिमनी क्या होता है, ये जो चिमनी है आप जनरली क्या है ना, फैन एग्जस्टर लगाते होंगे, जो कि ये बहुत पुराना है और इसमें आपका वो क्या होता है, जो खाना से हम लोग जनरली ऑयली फूड खाते हैं, इंडियन फूड जनरली ऑयली होता है, तो क्या होता है, देखो जो ऑयल से जो वेपर जो निकला, जो ऑयल जो वेपर होकर जो निकलता है वहां से, तो फैन एग्जस्टर उसको अच्छे से ऑयल को अलग और हवा को अलग करके बाहर से नहीं निकाल पाता है. तो इसीलिए अच्छे अच्छे कंपनी, बजाज हो गया, जेन हो गया, या बहुत सारे कंपनी ऐसे क्या किए हैं, इलेक्ट्रिक चिमनी निकाले. तो उसको आप क्या करेंगे ना, अपना जो गैस है, गैस के परफेक्ट सामने लगा देना उसको. अगर परफेक्ट सामने लगाएंगे तब वो आपका जो खाना है, खाना से हवा निकल रहा है, उसको वो अच्छे से खींच पाएगा. खींच के क्या करेगा ना, उसके अंदर जो मोटर लगा हुआ है वो क्या करेगा, आपका जो ऑयल को अलग कर देगा और जो हवा है उसको बाहर निकाल देगा. बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप कुछ देख रहे होंगे अब स्क्रीन पे, तो ये है कुछ ऐसा दिखने में. उसको क्या, ऊपर में आप पाइप लगाएंगे, पाइप लगा के जितना छोटा पाइप लगा के उतना अच्छा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा लगाएंगे ना वो अंदर में ये होके वो अच्छा से हवा में बाहर में नहीं निकल पाएगा. थोड़ा छोटा पाइप लगाएगा, वो क्या करेगा आपका ऑयल को खींच के वो जो ऊपर में एक लेयर होता है वहाँ पे वो उसको रख देगा, रख के उसका जो हवा होगा वो बाहर में निकाल देगा. और इलेक्ट्रिक चिमनी स्पेशल क्यों है, ये तो नॉर्मल चिमनी में यही काम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चिमनी में स्पेशल इसलिए है, क्या देखो आपको जो ऑयल जो चिपक के रह गया बाद में आपको उसको साफ कैसे करेंगे, साफ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. तो इसमें क्या होगा ना, देखिए इलेक्ट्रिक चिमनी में ऑटो क्लीनिंग रहता है, मतलब ऑटो क्लीनिंग एक स्विच है, अगर आप उसको दबा देते हैं वो क्या होता है, अंदर में इतना गर्म हवा वो अंदर में स्प्रे करता है ना, जो ऑयल जो लगा हुआ रहता है वो ऑयल अपने आप मतलब लिक्विड होके एक कंटेनर रहता है वहाँ पे लिक्विड आ जाता है. ठीक है, जो सारा ऑयल है एक में, मतलब ऑयल कलेक्टेड रहता है वहाँ पे, ऑयल आके जमा हो जाएगा. तो आपको कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे, ऑटो क्लीनिंग 2-3 बाद आजकल तो ऐसा भी अच्छा आ गया है कि वो क्या होता है, गर्म पानी अंदर पे स्प्रे करता है पूरा अच्छे से क्लीन. अगर आप चाहेंगे जो ऊपर का जो लेयर को क्लीन करें, आप आराम से उसको निकाल के बाहर में ये करके सब साफ कर सकते हैं, आराम से 1-2 महीने में आप चेंज कर, मतलब ये कर सकते हैं. और उसमें एक कार्बन ये रहता है, उसको आपको महीने में 1-2 बार तो चेंज करना पड़ेगा आपके यूज के वाइज. और देखिए आप जो अगर जब इलेक्ट्रिक चिमनी खरीदेंगे ना, आप अपना किचन के साइज के वाइज इलेक्ट्रिक चिमनी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपका किचन छोटा है और इलेक्ट्रिक चिमनी आप बड़ा से ले आए तो क्या होगा, बहुत साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या करेंगे इतने बड़े, जब बहुत साउंड भी ये होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना किचन के साइज के वाइज और अपना गैस और अपना चिमनी का डिस्टेंस भी आपको परफेक्ट मेजर करके रखना पड़ेगा, मिनिमम 65 सेंटीमीटर रहना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक चिमनी का ओवरऑल थिंग. दोस्तों सेकेंड गैजेट है डिश वॉशर, मतलब आपको तो नाम से पता चल गया होगा, हम लोग को जनरली क्या होता है ना, घर में बर्तन धोने में बहुत तकलीफ होता है, जिसका बिग फैमिली है उसका तो और तकलीफ, तो ऐसे भी कमल भी नहीं मिलता होगा आप लोगों को, बहुत परेशानी, वो लोग भी अच्छे से साफ नहीं करते, तो उसे क्या होता है ना, बीमारी फैलता है. तो अभी ये डिश वॉशर क्या है ना, ये आपके लिए आपका बर्तन धो लेगा, इसमें क्या है ना, आपको तकलीफ भी नहीं है और टाइम सेविंग भी है आपके लिए, मतलब आराम से आप जितना भी बर्तन आपका गंदा होता है उसको क्या करेंगे, उस डिश वॉशर में आता है बहुत बड़ा सा. और इसका प्राइस दोस्तों मैं पहले बता देती हूँ, उसका प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है, यानी कि 50,000 के आसपास ही आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम. तो क्या करेंगे ना, इसका यूजेस बता देती हूँ. तो पहले मतलब ये LG का भी आता है, बहुत सारा कंपनी अच्छा अच्छा कंपनी ब्रांडेड कंपनी का आता है, आप जिसका पसंद आप ले सकते हैं. वो क्या काम करेगा, आप जैसे बर्तन जो जो भी गंदा होता है उसको आप
रख देंगे बहुत देर, मतलब टू ट्रे आता है, उस ट्रे के ऊपर आप रख देंगे निकाल के, उसके बाद डिटर्जेंट डालने के लिए भी जगह रहता है, डिटर्जेंट डालने के और बर्तन को चमकाने के लिए भी वो क्या क्या देते हैं स्पिरिट वगैरह सब, उस सबके भी आराम से आपको बर्तन बहुत नया नया भी दिखेगा। जैसे जैसे आप उस मशीन के साथ आप बर्तन को साफ करेंगे ना, वैसा ही बर्तन का क्लीननेस जो अच्छा होते होते जाएगा। उसको आप आराम से, कोई भी बड़ा काम नहीं है, जब आराम से बर्तन को रख देंगे कुछ टाइम के लिए दे देंगे, मतलब कितना टाइम के लिए साफ करना चाहते हैं, कितना डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके बाद आप उसको निकाल देंगे तो वो साफ हो गया होगा। तो दोस्तों अभी चलते हैं हम लोग तीसरा गैजेट की तरफ। तो तीसरा गैजेट बहुत एसेंशियल है, हम लोग के लिए बहुत जरूरत पड़ता है जब बारिश का मौसम आता है। तो आप समझ गए होंगे बारिश का मौसम क्या प्रॉब्लम होता है, कपड़ा सुखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए बहुत सारा क्लच ड्राई क्लीनर आता है बहुत सारा कंपनी की तरफ से। तो जैसे कि अभी किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप परचेस करने के टाइम अगर कोई भी दुकान में जाएंगे ना, वहाँ पर पूछ लेंगे कि क्लच ड्राई क्लीनर क्या है, कैसे ये करता है, तो बहुत सारे कंपनी का तो हम लोग को बता देंगे। ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, आपको $136 यानी कि 9000 के आसपास ही ये सब मिल जाएगा। और ये सब क्या होता है ना, आप कुछ एक स्विच दबाओगे तो आप क्या करेंगे, वो मतलब क्लच को सेट करने के लिए वो मशीन खुलेगा, वहाँ पर क्लच सेट कर देंगे, फिर से क्या होगा, आप जब क्लच सेट कर देंगे ना, वो क्या करेगा, अंदर से बहुत सारा गर्म हवा छोड़ता है वो कपड़ा को ड्राई करने के लिए। अगर ज़्यादा भी कपड़ा भीगा हुआ है ना, तो 2 घंटा के अंदर आराम से वो ड्राई हो जाता है। तो ठीक है, बस इतना ही काम है, एक स्विच दबाना है, बाकी सब काम वो मशीन का होता है। तो ये 9000 के आसपास आता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कपड़ा वपड़ा सुखाने के लिए, जैसे बारिश का मौसम ही होता है, अर्जेंट है, तो आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं फोर्थ गैजेट की तरफ। तो फोर्थ गैजेट बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गैजेट है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा आई थिंक। तो ये क्या है, ये है डॉफ नीडिंग मशीन। डॉफ नीडिंग मशीन मतलब आटा गूंदने का मशीन, ठीक है। तो आटा गूंदने का जनरल तो सबको परेशानी रहता है, हम लोग अच्छे से कर भी नहीं पाते। जनरल हमारे जब छोटा फैमिली है तो वो आराम से कर लेंगे, लेकिन जिसका बड़ा फैमिली है उसका क्या, वो लोग तो चावल खाएंगे, वैसा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी बहुत अच्छा सा गैजेट निकल चुका है, आप आराम से ले सकते हैं इसको। इसका हाइएस्ट जो प्राइस होता है जनरली 35-40 के हाइएस्ट प्राइस बता रही हूँ, लोएस्ट 3000-2000 का भी मिल जाएगा आपको आराम से। अगर आप छोटा फैमिली हो तो आप आराम से, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है उसमें बस आपको आटा डाल देना है। आटा डालने के बाद उसका आपको मतलब मशीन के स्पीड, आपको स्पीड भी बढ़ाना है और स्पीड के साथ साथ आपको पानी थोड़ा थोड़ा डालते जाना है, और कुछ भी काम नहीं है इसमें। और अपने आप मशीन आपको आटा गूंथ के दे देगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है वो, ह्यूमन के कोई कंपेरिजन में मशीन बहुत अच्छा करता है वो काम। अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं। तो ये 4 गैजेट जो मैं आपको बताई, मैं सोच रही हूँ कि इस गैजेट आपको बहुत हेल्प करेगा। आप इसमें से कोई भी गैजेट आपको जो भी पसंद है आप अपने घर के लिए ले सकते हैं। और ज़्यादा अगर जानना है तो इसके बारे में, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि आपको अच्छा लगा कोई भी चीज़, तो मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताइए इसके बारे में। तो 4 गैजेट आई थिंक, आई होप कि आपको ये गैजेट बहुत ही बहुत ही बहुत ही काम आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ, एंड गाइस डोंट ऑल्सो फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज यहाँ पे आपको गैजेट्स का सारा अपडेट्स छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा हमेशा यहाँ पे ही मिलते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट बिलो दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक फॉर यू ऑल। सो प्लीज गाइस टेल मी दैट एंड कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। बाय।